शहर में लोगों को बिजली के बढ़ते बिल आ रहे हैं। इतना ही नहीं तो लोगों के बिजली के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार परिसर में बिजली कनेक्शन जोड़ने का काम किया और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ आंदोलन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। शहर में एक तरफ कोरोना महामारी का खतरा बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर महावितरण की ओर से शहरवासियों को ज्यादा के बिल भेजे जा रहे हैं। यदि ग्राहक बिजली बिल नहीं भरते हैं तो उनके मकान से बिजली कनेक्शन धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। इस बात पर कई पीड़िताओं ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इनका शहर के लोगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और महावितरण का कामकाज लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया और अपने हाथों से पीड़ितों के घर जाकर पुनर्बिजली का कनेक्शन जोड़ने का काम किया, जिसकी भनक लगते ही पुलिस बड़ी संख्या में मंगलवार में पहुंची। इस बीच आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नितिन राउत इनके प्रतीकात्मक पुतले का दहन करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, जिससे कुछ देर तक कार्यकर्ता और पुलिस दोनों आमने सामने हुई। कार्यकर्ता लगातार ऊर्जा मंत्री का विरोध करते नजर आए। मुरादाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा था। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने बीसीएन की टीम को जानकारी दी। नितिन राउत कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। नितिन राउत कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। इस समय में बीसीएन की टीम जागरण बुधवार के पास में है, उस परिसर में जहां पे बिजली बिल को लेके आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पे आंदोलन किया जा रहा है। इस बीच कुछ पुलिस वाले भी यहां पर मौजूद है। आखिरकार देखना है कि राज्य के खिलाफ आखिरकार आम आदमी पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता क्यों नारे लगा रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे ऊपर थे। ये बताइए कि आज आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इसकी करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चराग नसीब नहीं शहर के लिए। जब इस तरीके की स्थिति हमारे शहर के अंदर में है, अघाड़ी सरकार आने के पहले अघाड़ी सरकार ने ये वादा किया था, नितिन राउत साहब ने ये वादा किया था कि दिल्ली के तर्ज पे नागपुर में भी, महाराष्ट्र के अंदर में भी जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएंगी। उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि 30% बिजली का जो रेट है उसको सब्सिडाइज करके वो माफ किया जाएगा। तो ये दोनों वादे इन ये सरकार के, अघाड़ी सरकार के कहाँ है, ये आज नागपुर की जनता पूछ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, आप लोग सब जानते हैं। जब दिल्ली के अंदर में 200 यूनिट आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है तो ये के अंदर में है। लेकिन आपका आंदोलन ये है कि आपको कितना लगता है कि कितना जायज है इस प्रकार की जब मांग करना है, तो आपने क्या मंत्री महोदय से इस विषय को लेकर कभी बातचीत की है कि लोगों के सिर्फ बिजली जोड़ने के लिए आप आए हो? इस विषय पर इसके पहले पिछले 6 महीने से निरंतर नितिन राउत साहब से, ऊर्जा मंत्री से, और यहाँ पर जो MSCB के अधिकारी हैं, इन सभी लोगों से हमारा निवेदन दे चुके हैं हम लोग। इनसे बातचीत हो चुकी है कि जिस तरीके से आप हर साल 30% बिजली का रेट जो बढ़ा रहे हो नागपुर के अंदर में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, जब देश के अंदर में सबसे ज्यादा बिजली का अगर रेट कहीं है तो नागपुर में है। नागपुर के अंदर में आपको पता है कोराडी खापरखेड़ा के अंदर में बिजली बनती है, बनने के बावजूद भी हमको बिजली आधे रेट में या कम रेट में नहीं है। मतलब ये हमारा गुनाह हो गया कि हम नागपुर में रहते हैं और नागपुर में रहते हुए पूरे देश में सबसे महंगी बिजली हम लोग ले रहे हैं। महंगी बिजली ले रहे हैं ऐसा इनका मानना है, लेकिन यदि आपकी मांगों को दरकिनार किया जाता है राज्य सरकार की ओर से तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? एक साल हो गया, एक साल से आम आदमी पार्टी बोल रही है कि बिजली के दाम कम करो, नहीं सुना जा रहा है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनों को दरकिनार किया जा रहा है। हम तीव्र आंदोलन करेंगे, अब भूख हड़ताल करेंगे, जो भी होगा हमें नागपुर की जनता के लिए अभी बिजली माफ़ी सरकार को करनी पड़ेगी। ये हमारा सत्याग्रह आंदोलन है और गांधी जी की तरह, देश के महान वीर नेताओं की तरह, आम आदमी भी, हम लोग भी, हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं, वॉलेंटियर्स, हम सब लोग बैठे हैं, बैठेंगे और एक एक जने की यहाँ बिजली आनी चाहिए। और वो भी अभी जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान बोला गया था किसी के यहाँ की बिजली नहीं कटेगी, फिर भी नितिन राउत जी ने, उन्होंने बिजली काटी, जो बिल्कुल सही नहीं है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल जनता के साथ है। तो आम आदमी पार्टी जनता के साथ है और इनका ये मानना है कि राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, जिन्होंने वादा खिलाफी की है, बढ़ते बिजली के दामों को अब तक के कम नहीं किया गया। एक तरफ कोरोना महामारी ने सबको झकझोर के रख दिया तो वहीं दूसरी ओर देश के तमाम नागरिक इन दिनों बिजली के जो बढ़ते बिल है उससे काफ़ी परेशान है। ऐसे में सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द इस देश के शहरवासियों के लिए बिजली के दाम कम
कम करवाए या फिर दिल्ली के तर्ज पर उन्हें पूरी तरह से बिजली के बिल मुक्त करे, यही इस समय में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा क्या इनकी बात राज्य सरकार तक पहुंचती है या फिर ढाप के तीन पांच जैसे राज्य सरकार का जो कामकाज चल रहा है क्या वही होगा, इस और सबकी निगाहें लगी हुई है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर, धन्यवाद।